हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवीपीडिया। माय नेम इज एमएस हुसैन और आज हमारे साथ हैं विवेक वैभव, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 में 156th रैंक सिक्योर किया है। तो सबसे पहले तो मैं पूरा ओवीपीडिया टीम की तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और अपने चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ अपने पूरे ओवीपीडिया टीम की तरफ से विवेक वैभव का। और आज हम लोग जानेंगे इनसे कि इनका जो किस टाइप से इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या है इनका, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और बहुत सारे जो इनकी जर्नी रही है, जो एक स्टूडेंट से, एक एस्पायरेंट से, एक ऑफिसर बनने की, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अपने पूरी टीम की तरफ से विवेक विवेक का। वेलकम विवेक हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक यू सर, थैंक यू एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस जो कि लर्निंग है उस हिसाब से शेयर कर सकूँ। जी, और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको पूरे ओवीपीडिया टीम की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। विवेक, मैं ऑडिबल हूँ हाँ जी सर, आप ऑडिबल। जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ जी और मैंने अपनी प्लस टू सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा असम से की है जी और मेरी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया, दयाल सिंह कॉलेज से मैंने किया और अभी मेरा मास्टर डिग्री परसुइंग जी है। और आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, जब सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसके अलावा भी आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। सर क्योंकि मैंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी तो मेरा अल्टीमेट एम था कि मुझे आर्म फोर्स में ही जाना है, तो जी मैंने 12th से ही मैंने एनडीए का प्रिपरेशन और इनफैक्ट एनडीए देना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था जिसमें एक बार ही नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न जी क्वालिफाई नहीं हुआ था और बाकी दूसरा तीसरा मैंने दिया था बट मैं SSB में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया जी और मेरे पास टोटल 4 अटेम्प्ट बाकी थे और 4th अटेम्प्ट में रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था जी क्योंकि मेरे साथ एज बेनिफिट था उस समय। तो मैं ग्रेजुएशन में मोर फोकस कर रहा था कि ताकि मेरा ग्रेजुएशन के बाद जो सीरियस अटेम्प्ट होगा उस वाला रिटर्न पार्ट मेरा मजबूत रहे कि वो हमेशा निकलता चला है। जी तो मैं जस्ट उसके ऊपर ही फोकस कर रहा था। इनफैक्ट जब मैं ग्रेजुएशन दिया तो मैंने सीरियस लगातार दिया और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 20 अगर मैं एनडीए को हटा दूं या उसे जोड़ भी दूं तो टोटल 13 SSB मैंने अटेम्प्ट किया है जिसमें से 3 टाइम्स फेल आउट हुआ था, बाकी सारे टाइम मैंने कॉन्फिडेंस आउट हुआ। तो हाँ, तो ये पक्का मुझे अपने आप में विश्वास था कि मुझे सिर्फ फोर्स में ही ज्वाइन करना जी है। तो जब मैं सीरियस का दे नहीं पाया तो फिर मैंने सीएपीएफ का अटेम्प्ट किया। इनिशियल्स में मुझे रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर एक जी बार ही मैंने मेरिट लिस्ट भी आउट हुआ, मैं एक बार जी 2021 फिर 2022 क्लियर हुआ था, फाइनली लिस्ट में नाम आया। वैसे देखें तो जो आपका आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है। तो हाँ जी कहीं ना कहीं आपको कहीं और पहुंचना था, इसीलिए आपको वहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, तो इसके वजह से ये भी हो सकता है। सर, यूनिफॉर्म के लिए मेरा क्रेज बचपन से ही रहा जी तो इस बात का मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अगर आर्म फोर्स नहीं तो मैं सीएपीएफ में तो जा सकता ना, वो भी बिल्कुल एक तरह का पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी में और बिल्कुल बहुत चैलेंजेस रहा। तो सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ सर, आई एम डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ एंड टू माई जॉब। और जैसे कि आपने बताया कि एनडीए, आपने एनडीए की प्रिपरेशन की, सीडीएस की करी, उसके बाद फिर बहुत सारे आर्म पुलिस फोर्सेस की करी, तो उससे मतलब क्या फायदा मिला आपको सीएपीएफ के जो एग्जाम थे उसमें। सर जब भी मैं सीडीएस और एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा जनरल स्टडीज ठीक ठाक प्रिपेयर हो रहा था और मैंने बेसिक्स पे ध्यान दिया था। एनसीईआरटी से मैंने स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी कवर करने के बाद जो स्टैंडर्ड्स बुक है वह मैंने वो लिया था और मैंने सिविल सर्विस का भी प्रिपरेशन किया इन जी बिटवीन और मैं मेंस भी लिखा हूँ, एक बार इंटरव्यू फेस किया हूँ बट सिविल मेरा नहीं सर्विसेज की। हुआ। जी हाँ जी सर, जी बट मेरा नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट आउट हो गए थे। जी तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन पेपर 1 में तो हेल्प करता ही है बट पेपर 2 में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जी आंसर अगर राइटिंग के। मैं हाँ जी सर, अगर मैं सीक्वेंस में जाऊँ तो पेपर 1 जो सीएपीएफ का है उसमें
अब क्या हो रहा है, अब आज के डेट में पहले क्या हो रहा था, करंट अफेयर्स में बहुत वेटेज दिया जा रहा था, तो बिल्कुल बच्चे करंट पे फोकस ज्यादा करते थे और बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे। पर उन्होंने एक तरह से ना बैलेंसिंग अप ले आया है कि आपको बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, और टोटली अप्लाइड क्वेश्चन वो डालते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते हैं, डायरेक्ट रहता है बट कंपेरेटिव 10 से 15 रहते हैं। जी और अगर हम एनालाइज करेंगे सीएपीएफ एग्जाम के फाइनल कट ऑफ में, तो पेपर वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे आप स्कोर कर सकते हैं और वो एक एडवांटेज लाता है आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए। जी तो पेपर वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। बेसिक्स के बाद आप स्टैंडर्ड्स बुक आप जो भी पढ़ ले, फॉर्टी के लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पढ़ ले। और अब तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज इंटरनेट हो गया था, यूपी भी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है प्रिपरेशन के लिए, तो जी मैंने ये भी यूज किया था पेपर वन के लिए। जी और अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ना करना चाहे और उसके बाद फिर पेपर वन की तैयारी करे, तो उसको मतलब सिविल सर्विसेज का जो जीएस है उससे कितना पढ़ना चाहिए, मतलब या क्या उसके मतलब उस लेवल तक का जीएस पढ़ना पड़ेगा? सर मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना ही चाहिए, तभी आप पेपर वन को अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन चला गया कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, पानीपत कब हुआ था, उस जी इंसिडेंट्स में वो रिवर कौन था, या प्रेसिडेंट किनको भी अपॉइंट करता है। अब वो थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो इसके लिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉक देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है, अच्छा इस तरह से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज, और जैसे क्वालिटी ही है तो क्वालिटी में भी कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, यहाँ से बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से वेटेज भी ज्यादा रहता है। तो जब आप मॉक अप्लाई करते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, और सिविल सर्विस प्रिपरेशन में भी वही बुक फॉलो करते हैं जो यहाँ पे हम करते हैं, क्योंकि एज सच वन लाइनर और एक पार्टिकुलर बुक जिसमें सारा सब्जेक्ट कंपाइल है, जैसे साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही इफेक्टिव नहीं होता। आपको एक स्टैंडर्ड बुक तो रेकमेंड करना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। जी अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स में चले जाइए, लाइक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस, आप जानते हैं इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन अगर आप नहीं है तो पहले आप वहां से भी स्टार्ट करें, तो इस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। जी और अगर हम लोग बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में कैसे मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, किस टाइप से प्रिपेयर, जैसे कि उसमें ऐसे राइटिंग पूछा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है, उसके बाद आर्गुमेंट भी पूछा जाता है, तो उसकी किस टाइप से प्रिपरेशन करें? सर अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है या उसने किया है, थोड़ा सा उस पर एज रहता है, क्योंकि उसके पास कंटेंट रहता है, अगर वो थोड़े सीरियस स्टूडेंट है तो। और अगर नहीं भी कर रहा है तो वो भी कोई बहुत उसके लिए डिसएडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि आपको एक सेट पैटर्न है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ऐसे है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऑलमोस्ट ये नेम उन्होंने चेंज किया बट कंटेंट सिमिलरली आपको डालना पड़ता है, आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन ही सब में डालना रहता है। उसके लिए मैंने जो किया था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ना स्मॉल एक छोटा सा बुकलेट बनाया था, उसमें जो भी इमर्जिंग टॉपिक है मैं उसको पॉइंट में 3-4 पॉइंट ही लिख के रखता, क्योंकि 2 पेज लिखना है, कितना 150 से 250 वर्ड्स में लिखना है, तो हर एक टॉपिक को अगर आप पॉइंट पॉइंट में 3-4 टॉपिक भी अगर 3-4 पॉइंट भी अगर आप हर एक इमर्जिंग है, जैसे हमारे समय में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वेमेन का, मैरिज एज के 21 करने के बाद चल रही थी, कुछ मैरिटल रेप का था, जी जी बिल्कुल कुछ पार्लियामेंट्री बिल्स है, तो वो आपको पता चल जाता। और ये पेपर रीडिंग आप जब करते हैं ना, आप कोई सा भी पेपर स्टैंडर्ड बुक स्टैंडर्ड न्यूज पेपर रीड कीजिए, चाहे वो हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, आपको एक आइडिया मिले, और मोर इम्पोर्टेंटली उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप 3-4 पॉइंट में समराइज कर लेंगे, और वो चीज अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपके लिए पेपर टू इजी है। और सेकेंड पेपर टू में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर, क्योंकि वो टोटली फैक्चुअल है, उसमें आपको कोई सही है तो सही मार्क्स ही मिलेगा उसमें, जी उसमें कोई बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं असेसमेंट हो जाता है कि 2 नंबर मिले या 3 नंबर मिले, वो करेक्ट तो करेक्ट ही है। तो अगर ग्रामर में थोड़ा सा ही फोकस करना पड़ता है, 2-4 मॉक लगाने से ग्रामर ठीक हो जाता है, और वो एज सच बहुत वास्ट लेवल का भी नहीं पूछते हैं, नॉर्मली ग्रामर है, तो ग्रामर और थोड़ा पॉइंट वाइज एक बुकलेट फॉर्म करना, ताकि फटाफट उसको रिवाइज भी कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता जी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। और करंट अफेयर के एक बुकलेट टाइप की फॉर्म आप बता रहे हो? हाँ जी सर बिल्कुल। और मैंने क्या किया था, मैं अपने बारे में बताता हूँ,
ठीक है, आप एक ऐसे आया सपोज ऑनलाइन गेमिंग के बारे में उन्होंने पूछा है, तो अगर आप दो तीन एग्जाम्पल रखेंगे ना, जैसे मेरे जब भी मैं 22 का अटेम्प्ट कर रहा था, उसमें जब इसमें आया था तो मैंने एक लखनऊ का एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें 10 से 12 साल का लड़का, एक आर्मी ऑफिसर थे उनके पापा, उनकी मदर ने जब उनको बोला था कि तुम गेम मत खेलो पबजी आई गेस, तो उन्होंने उनके फादर के लाइसेंस रिवॉल्वर से शूट कर दिया था मदर को, उनकी छोटी बहन भी थी। लखनऊ का इंसिडेंट है सर, अगर आप याद कर सकेंगे जी, लास्ट ईयर हाँ जी, का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था इसीलिए जी। हाँ जी मतलब हाँ, वो अगर पबजी ये सब पबजी के खेल रहे थे, वो उसको मना किया था, हाँ, उसने शूट कर दिया। हाँ जी अगर ये सब आप लाइव एग्जांपल जब आप कोट करते हैं ना, तो आपका आंसर और इनहेंस हो जाता है। जी तो आप कंटेंट तो रखिए, प्लस अगर कोई कमिटी का रिकमेंडेशन है या कोई एग्जांपल है तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं। और ये पेपर टू में जो एक्स्ट्रा मार्क्स होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में जी मार्क्स लाने। मतलब थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज और इसके मतलब थोड़ा मिक्स हाँ, करके आपको थोड़ा देखना बैलेंस होगा। है, सिर्फ सिर्फ फैक्चुअल डाटा डाल देने से नहीं होगा, प्लस आप जब उसको अपना स्टैटिक्स और आज के करंट डेवलपमेंट के साथ उसको जब आप लिंक करते हैं ना, तो आपका जो भी आंसर है वो और थोड़ा बढ़िया से निखर के आता है, आप खुद भी आप सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, हाँ मैंने पेपर टू सही दिया है। और वो आपको एक एक तरह से पुश बैक करेगा जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, हाँ मेरा पेपर टू क्लियर है, मेरा पेपर ठीक ठाक आ रहा है, तो मुझे अच्छे से और इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, कॉन्फिडेंस दिखलाता है। और ये पूरा पैटर्न ही, पूरा इतना 1 साल का लंबा जो प्रोसेस होता है, ये पूरा कॉन्फिडेंस का ही ये खेल है और जी परसिवरेंस का खेल है। कहीं भी आप अपने आप को लो नहीं कर सकते, अरे यार पेपर वन में अच्छा नहीं हुआ है, या पेपर वन में मैं जस्ट पेपर कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ, पेपर वन पेपर टू में जस्ट कट ऑफ क्लियर होता है, तो वो आपको एक पुशबैक करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे पेपर वन पेपर टू मेरा सही है, तो आप जहाँ पे 100% दे सकते हो तो वहाँ 110% दे। बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या आपने क्या किया था, और आप क्या स्ट्रैटेजी होगा जो आप बताना चाहोगे? सर मैं थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा फिजिकल के बारे में भी जी इम्पोर्टेंस बिल्कुल देना बिल्कुल 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 चाहूंगा, बिल्कुल 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 क्योंकि क्योंकि सर पहले थोड़ा सा लीनियंट हो रहा था, थोड़ा सा रीजन इसलिए हो रहा था कि कोई बच्चे अगर रीमेडिकल हो रहे थे तो उनको 40 to 45 days मिल रहा था, बट अब ये सिस्टम चला गया। अब जस्ट अगर आज आपका डे आया है और आपको रीमेडिकल दिया गया है, तो विद इन 2 days आपका दोबारा से रीमेडिकल हो जाता है, तो 2 दिन में बच्चे क्या ही कर लेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर क्लियर हो रहा है, या फिर आप किसी और एग्जाम में बिजी हैं और रिजल्ट आ गया, उसके बाद इनफ टाइम रहता है 2 से 2.5 महीने 3 महीना रहता है, उसमें अपने फिजिकल को आप उस अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आप लाइए, ताकि आपको कभी भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट होने लगा है, कोई भी लीनियंसी मेंटेन नहीं किया जाता है। अगर आप मेडिकल में हैं तो चलिए वो तो जो है सो है ही, बट वो जो स्टैंडर्ड होता है, चाहे हाइट में अगर आप चेक करा लीजिए पहले ही, खास करके लॉन्ग जंप में प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे से, अच्छा, और मोस्ट एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये करूंगा कि बहुत सारे बच्चे को नॉलेज नहीं होता, इवन मेरे पास भी दिमाग में अभी नहीं है कि फिजिकल जो टेस्ट होता है ना, तो वो मतलब क्या क्या रहता है उसमें, थोड़ा सा आप मुझे मतलब ताकि बच्चों पता भी चले कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि बाद में वो सबसे पहले ज्यादा फोकस तो हमारा पेपर वन पेपर टू में रहता है, सबका रहता है, एस्पिरेंट्स का भी रहता है, लेकिन उसको भी ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बहुत सारे बच्चे जाके पीटी में वो नहीं निकाल पाते, बहुत बार ऐसा होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ 2021 की जो मेरिट लिस्ट आउट हुई थी, क्योंकि हमारा तो अभी मार्क्स नहीं आया है, तो कोई कोई बंदे के 200 से ऊपर से पेपर वन में बन रहे थे, अगर और अगर 200 ला रहे हैं, अगर 100 भी अगर पेपर टू में ला रहे हैं, 300 तो उनका वैसे ही हो गया, तो जी सोचो अगर इंटरव्यू नहीं भी हुआ है अभी तो भी उनको 300+ है, बिल्कुल और 345 भी कट ऑफ गया था, जी। बट उनका फिजिकल में वो आउट हो गए। तो ये और ये जिंदगी भर रह जाता है, क्योंकि फिजिकल में आउट हो गया, मार्क्स इतना बढ़िया आ रहा था, बस इंटरव्यू में बैठना था, मेरा रिकमेंडेशन पक्का था, ये फीलिंग जिंदगी भर रह जाता है। बिल्कुल सर चार फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे पहला तो आपका हाइट होता है, जो एक मिनिमम सेट 166 सेंटीमीटर होना, 168 और 166 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एलिजिबिलिटी है। चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 5 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए, ये दोनों तो मिनिमम है। और सर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड में आ जाते हैं हम, सबसे पहले 100 मीटर का रेस होता है, बॉयज के लिए सर 16 सेकंड में कंप्लीट करना रहता है, गर्ल्स के लिए आई थिंक 18 सेकंड है, नॉर्मल है सर, बहुत ही इजी है। इसके बाद जो बच्चे 100 मीटर क्वालिफाई करते हैं वो 800 दौड़ते हैं, 800 3.45 मिनट में दौड़ना, बहुत इजी है। मेरे बैच जब भी मैं गया था गोरखपुर में, मेरा सर सेंटर था, कोई बच्चे 800 में नहीं निकले थे, आराम से सारे कंप्लीट कर लेते, बहुत इजी है सर।
इसके बाद लॉन्ग जंप आता है। लॉन्ग जंप में बहुत ज्यादा रिजेक्शन है और लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया बहुत ही मिनिमल है सर। अगर बच्चे 1 महीने भी प्रैक्टिस, 1 महीना तो मैं बोल रहा हूँ, 15 से 18 दिन भी अगर प्रैक्टिस करें तो इससे वो इजिली क्वालिफाई कर जाते हैं। बट थोड़ा वो लीनियंट हो जाते हैं कि अच्छा वो तो निकल ही जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा। बट अगर थोड़ा सा भी व्हाइट लाइन, फिनिश लाइन या स्टार्ट लाइन टच हो जाता है ना तो डिस्क्वालीफाई होता है। ऑल्दो हमें 3 अटेम्प्ट दिया जाता जी है, और जी सर लास्ट होता है वो शॉर्ट पुट, वो जी तो निकल ही जाते हैं सारे बच्चे। तो ये मिनिमम सेट स्टैंडर्ड्स है, इसके बाद फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। तो बहुत ही लीनियंट है, बस थोड़ा सा 10-15 से 20 दिन अगर थोड़ा सा फोकस कर ले तो ये निकल जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेकेंड पॉइंट है सर कि वेट का इशू रहता है। पहले क्या था मैंने बताया कि 40 to 45 days मिलता था तो वो वर्कआउट करके अपना वेट रिड्यूस करके आ सकता। बट अगर 2 दिन में अगर कोई 10 किलो वेट अगर एक्सीड कर रहा है तो वो 2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर आउट हो जाते हैं, परमानेंट आउट हो जाते हैं मेडिकल, तो वो रह जाता है मेडिकल में आउट हो गए, मार्क्स में डी बन रहते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। पर है ही कि अपने हाथ का चीज है मेडिकल बिल्कुल और बिल्कुल फिजिकल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करती है इंटरव्यू, तो वहाँ पे भी पैनलिस्ट बैठते हैं, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करें, और मतलब आपने किस टाइप से किया था? सर जब भी क्लियर होता है हमारा रिटर्न तो हमें डैक भरा जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें हमारा सारा डिटेल रहता है। जी और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा पूरा इंटरव्यू डैक के अराउंड ही रिजॉल्व करता है। जी तो जब भी आप डैक फिल करें बहुत ही अच्छे से फिल करें। मैंने तो एक दो एक्स्ट्रा एक मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था, मैंने दो तीन उसको प्रैक्टिस किया था कि क्या भरना है और इसे क्या रिलेटेबल क्वेश्चन बन सकते हैं। और बहुत ध्यान से डैक भरना चाहिए क्योंकि यही आपका एक क्वेश्चनायर जो है उनके सबसे सामने ज्यादा प्रेजेंट इंटरव्यू में अगर होगा। हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेफ के रिगार्डिंग ही पूछे जाते हैं। यस सर, डैक के रिकॉर्डिंग ही होता है और उन्हीं से फिर अगर क्वेश्चन बनता है तो वो उन्हीं से काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो डैक को इसलिए बहुत ही ब्लफ नहीं करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली रिलेटेबल ही बनाना भरना चाहिए। अगर आप गेम्स, स्पोर्ट्स या स्कॉलरशिप या एनसीसी वगैरह नहीं किए हैं उससे कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। अगर आप नहीं किए तो नहीं किए, लेकिन अगर जस्ट आप ब्लॉग पढ़ने के लिए लिखेंगे और वहां पे अगर आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन हो गया और प्रिपेयर नहीं है आप, तो वो एक नेगेटिव इमेज आ जाता है। और 15 to 20 मिनट्स का ही वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो आप चाहेंगे कि अपना बेस्ट लेकर जाए इंटरव्यू में, तो उसके लिए डैक बढ़िया से प्रिपेयर करें, डैक पे ही वर्क करें। और डैक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप एक प्रॉपर बुकलेट में लिखें। मैंने प्रिपेयर किया था सर, मैंने 175 से 180 मैंने अपने डैप से ही क्वेश्चन बना लिए थे। हर एक टॉपिक्स 1 2 जितने भी सब टॉपिक्स हैं हर एक से मैंने 100 जितना भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप लिख लो और उसको प्रिपेयर करो। और सर ये बहुत हेल्पफुल करता है, और क्योंकि ये मेरे मेरे मेरा इंटरव्यू वो था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला सर, तो मेरे जितने भी इंटरव्यू के जो भी उन्होंने पूछे और उनके साथ जो भी मैं पैनल मेंबर थे वो सारे मेरे प्रिपेयर पार्ट से ही पूछे गए थे। तो अगर अच्छे से डैप प्रिपेयर करेंगे तो आपका इंटरव्यू सही जाए। कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप इंटरव्यू देने गए थे उस टाइम, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहो? सर ऐसा सच नहीं था, वो मेरे जो मेरा होम टाउन है से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ बहुत पुराना क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। मेरे सैनिक स्कूल से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मेरा ग्रेजुएशन क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फोर्स बेस्ड इंसिडेंट से रिलेटेबल उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सर एक इंसिडेंट बताता हूँ सर, मेरा नाम है विवेक वैभव है, तो जी, वैभव जनरली या तो विवेक रहता है या वैभव रहता है। रहता बिल्कुल। हाँ हाँ तो उन्होंने मैं पहले यही ही बोला पूछने था जा रहा था कि उसको, क्वेश्चन नाम के ऊपर तो आपका तो बनता हाँ है बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि 1 person with 2 names, तो मैंने बोला सर इसके पीछे एक इंसिडेंस है, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा। तो बोले हाँ हाँ बताओ राज शुक्ला सर थे। तो सर मैंने बोला सर पहले मेरा नाम राहुल कुमार था सैनिक स्कूल जाने से पहले, लेकिन क्योंकि उस समय शाहरुख खान की बहुत सारी मूवीज आती थी और एक राहुल देव कैरेक्टर था जो एक्टर था वो विलन का रोल ज्यादा करता था, तो मेरी मदर ने सोचा नहीं ये तो विलन और रोमांटिक में जा रहा है, इसलिए मेरी मदर ने नाम चेंज कर दिया, उन्हें विवेक वैभव ला दिया ताकि नॉलेज विथ प्रॉस्पेरिटी रहे हमारे घर में भी आए।
जी सर इसलिए उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया था। तो जब ये जी वाला इंसिडेंट हुआ तो सारे हंस रहे थे, हाँ उनको मतलब नॉर्मल हो गया शाहरुख सिचुएशन एकदम। खान तो होना चाहिए, उनका नाम को लेकर भी चेंज किया जा रहा है, तो ये चलिए कोई इंसिडेंट था। अच्छी बात है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे हैं यहाँ पे जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि उनका उनका भी फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, ठीक है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए, सबका यही सपना रहता है। तो और बहुत कोई करते भी है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 साल हो गए लेकिन नहीं कहीं पे लग पा रहे, लगातार अलग अलग एग्जाम्स में फेलियर देखने मिल रहा है उनको। तो उनके लिए अगर कोई आप मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे? सर पेपर वन और पेपर टू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर वन के लिए पहले तो आप बेसिक्स बुक को रेकमेंड करें, और वीकली आप टेस्ट दें स्टार्टिंग में। जितना भी आप मॉक टेस्ट देंगे आपको पता चलेगा क्वेश्चन पैटर्न, प्लस एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको पता चलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, और आप देखें कि आपका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। जब भी हम मॉक मल्टीपल मॉक दे रहे हैं तो पेपर वन पे फोकस करें, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप है और वो स्कोरिंग है। उसमें आराम से अगर आप 50, 150 to 160 ला रहे हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है। और पेपर टू के लिए सर जैसे कि मैंने बताया, एक छोटा सा बुकलेट रखें और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको 3-4 पॉइंट में ही सम अप करें। और काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए सेम कोई अगर फोर के लिए है तो उसके अगेंस्ट के लिए भी एक्स्ट्रा 3-4 पॉइंट उसको प्रिपेयर करके रखें। और अगर आपका अगर आप सिविल सर्विस के बैकग्राउंड से हैं तो ठीक है, थोड़ा सा आपको बेनिफिट रहता है, बट नहीं है तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। कम से कम 6-7 तो मॉक आप पेपर टू के लिए देकर ही जाए, और ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। और सर मैं रेकमेंड करूंगा पेपर टू अटेम्प्ट करने से 15 से, जो मैंने किया था, 15 से 20 मिनट पहले मैंने पीछे रफ शीट में जितने भी ऐसे हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट है और इन सब को ना मैंने पॉइंट में एक बार जस्ट पॉइंट में एक एक लाइन में लिख लिया रहा था कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो मैं जस्ट पॉइंट देखूं और उसके नीचे एलोबोरेट कर दूं लाइव एग्जांपल के लिए। और ये आपको क्या होता है, वो 15 से 20 मिनट लेगा, लेकिन वो 15 से 20 मिनट जब आप आंसर लिखते हैं उस समय जो आप सोचते हैं वो आपको वहां पे टाइम बहुत बचाएगा। और सबसे पहले अगर ग्रामर में आप कंफर्टेबल है तो ग्रामर को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो फैक्चुअल रहता है, स्कोरिंग मार्क्स रहता है। 25 मार्क्स का अगर आप 15 to 20 ला रहे हैं, कोशिश करें 20 तक लाने का, तो एक स्कोरिंग पैटर्न आ जाता है। तो ये दोनों पे आप फोकस करें, क्योंकि जितना मार्क्स यहाँ पे आप ले आएंगे इंटरव्यू में आपके लिस्ट में आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू विवेक, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, बात करके भी आपसे बहुत अच्छा लगा, और मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जो आपकी मतलब जो हर्डल्स आती हैं एस्पिरेंट्स के जिंदगी में, जो मतलब एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो सारे एक एक चीज बताया आपने कि इस टाइप से आप इसको, इस टाइप से आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, इस टाइप से कर सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा लगा ये। और एक मतलब एक कोई भी अगर एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखे तो उनको बहुत एक रास्ता मिलेगा कि कैसे आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। तो इसके लिए थैंक यू बहुत सर, बहुत धन्यवाद, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। दिया, जी, थैंक यू सर। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक बिल्कुल, आपको भी कंग्रेचुलेशन। आपकी यू, प्रिपरेशन कराएं बच्चे के लिए मोटिवेट करें, और बिल्कुल, सर जो भी अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, विवेक। थैंक यू सर।